यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक वक्त वो भी था जब इस बाहुबली की प्रयागराज से लेकर तमाम जगहों पर तूती बोलती थी, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा पलटा कि अब इस बाहुबली की बोलती बंद हो गई। जिस पुलिस प्रशासन को वो अपनी जेब में होने का दम भरता था, आज वही पुलिस प्रशासन इस माफिया के नाम में दम कर रखा है। ताजा मामला अतीक अहमद से जुड़ा हुआ कि वो सीबीआई की रडार पर है। आखिर क्या है पूरी कहानी, इस खास रिपोर्ट में समझिए। कोई बाहुबली कहता है, कोई माफिया तो कोई डॉन, और क्यों नहीं। आखिर जरायम की दुनिया का कोई भी ऐसा जुर्म शायद ही बचा हो जो इस बाहुबली डॉन की खुद की क्राइम डिक्शनरी में दर्ज ना हो। सालों तो छोड़िए, ये शख्स दशकों से दहशत का पर्याय बना हुआ है। प्रयागराज की धरती से लेकर देश के तमाम हिस्सों तक अपराध की दुनिया में इसकी हिस्सेदारी का हवा है। और तो और, इसी प्रयागराज की धरती पर इसने रंगदारी और राजनीति का संगम कर सांसद बनने तक का सफर तय किया। इतना कुछ बताने के बाद अब जनाब का नाम बताने की जरूरत कहां रह जाती है। जी हाँ, नाम अतीक अहमद, कहां सियासत की आड़ में दादागिरी कायम रखना, एक जमाना था जब अतीक का नाम सुनते ही गुंडे भी आतंकित हो जाया करते थे, शरीर सहम जाया करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है, और सच मानिए तो समय से बड़ा बाहुबली कोई नहीं, क्योंकि उसके सामने बड़े बड़े बाहुबली किस तरह बोने होते हैं। उसकी पानगी देखनी है तो इसी अतीक अहमद के अतीत से आज की तुलना करने पर यही दिखता है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो दिख रहा है वो इसकी सटीक मिसाल है। कभी यहाँ अतीक का सिक्का चला करता था, लेकिन जब से योगी सरकार आई है तब से इस बाहुबली के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। बाहुबली अतीक अहमद के बुरे दिन। एक मामले में सीबीआई की रडार पर अतीक, शिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति का मामला, वक्फ की जमीन को मनमाने तरीके से बिकवाने का आरोप। मास्टरमाइंड है अतीक अहमद। ये प्रयागराज के बहादुरगंज इलाके के बताशा मंडी में 200 साल से पुराना इमाम बाड़ा हैदर रजा स्थित है, जो शिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इमाम बाड़ा हैदर रजा प्रयागराज में शिया समुदाय के लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। कहते हैं साल 2015 में इस इमाम बाड़े का मुतवल्ली अतीक अहमद के दोस्त और उनके बेहद करीबी कहे जाने वाले वकार रिजवी को बनाया गया था। वकार की नियुक्ति के कुछ दिन बाद इमाम बाड़े की बिल्डिंग को गिराया जाने लगा था। उस दौरान जब लोगों ने विरोध किया तो अतीक ने आगे आकर मोर्चा संभाल लिया था। विरोध ज्यादा बढ़ा तो पहले ये बहानेबाजी की गई कि इमाम बाड़े की बिल्डिंग जर्जर होने की वजह से उसकी मरम्मत की जा रही है। इसके बाद भी विरोध जारी रहा तो पुलिस का इस्तेमाल कर प्रदर्शन करने वालों पर लाठियां तक चलवाई गई, मुकदमे भी दर्ज करवाए गए। उत्तर प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों को मनमाने तरीके से बेचे जाने के मामले में जांच एजेंसी सीबीआई का शिकंजा वसीम रिजवी पर लगातार कसता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज के पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद भी सीबीआई के रडार पर हैं। दरअसल प्रयागराज के बहादुरगंज इलाके के जिस इमाम बाड़े को लेकर विवाद है, वहां का मुतवल्ली अतीक अहमद के बेहद करीबी वकार रिजवी को बनाया गया था। वकार रिजवी की नियुक्ति के एक महीने बाद ही इमाम बाड़े में तोड़फोड़ शुरू हो गई थी, और बाद में इमाम बाड़े की बिल्डिंग को गिराकर वहां पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स तैयार कर दिया गया था। जिस वक्त ये सब हो रहा था, प्रयागराज के शिया स्कॉलर और सोशल वर्कर शौकत भारती ने इमाम बाड़े को तोड़े जाने का पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने ही हर जगह इस मामले की शिकायत की थी। शिकायतों की जांच रिपोर्ट्स के आधार पर ही मामला कुछ दिन पहले सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने वसीम रिजवी समेत कुछ लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। वसीम रिजवी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो साथ ही जांच की जद में मास्टरमाइंड अतीक अहमद का भी आना तय। सीबीआई ने जो केस रजिस्टर्ड किया है, ठीक है, हम जो कुछ चाहते हैं वो तो पहले दिन मैंने लिख के दे दिया था, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इंक्वायरी किया और उनको पता चल गया कि प्लेस ऑफ वर्शिप को बुलडोज करके वक्फ एक्ट
1991 का उल्लंघन किया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई साथ नहीं दिया, कुछ नहीं किया, ठीक है। उसके अलावा मैंने नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन को इंक्वायरी की, उन्होंने भी इस बात को माना कि प्लेस ऑफ वर्शिप को बुलडोज किया। खुद स्टेट गवर्नमेंट ने 153A की परमिशन इनके खिलाफ 9 महीने पहले दी है, लेकिन वसीम रिजवी के खिलाफ और या जिन्होंने इमामबाड़ा बुलडोज करके उसे कमर्शियल मार्केट में चेंज किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर उस वक्त अखिलेश यादव की सरकार थी और अतीक अहमद तब समाजवादी पार्टी के सिपह सलार हुआ करते थे। कहा जाता है वकार रिजवी को अतीक अहमद के कहने पर ही प्रयागराज के इमामबाड़ा हैदर रजा का मुतवल्ली बनाया गया था। आज ये जो इंक्वायरी सेटअप हुई है, इसका मैं खैर मकदम करता हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं वेलकम करता हूँ, लेकिन इसमें उन तमाम लोगों को जो इमामबाड़े को बुलडोज करने में शामिल हैं, इसका जिन्होंने नक्शा पास करके दिया है, इन्होंने वक्फ एक्ट 1991 का उल्लंघन करते हुए प्लेस ऑफ वर्शिप को जो गिराया है, इसमें वो लोग जो थे जो मुतवल्ली को कहीं ना कहीं से शेल्टर दे रहे थे, ठीक है, वो एक्स मिनिस्टर आजम खान जिनके पास बार बार शिकायत हुई, तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया भरा हुआ था इमामबाड़े की न्यूज, इतना बड़ा धरना था। उस धरने के बाद प्रेशर में प्रयागराज विकास प्राधिकरण, जो इलाहाबाद विकास प्राधिकरण था, उसने बड़ी मुश्किल से FIR बड़ी सिंपल धाराओं में दर्ज करवाई थी। बहरहाल बिल्डिंग गिरने के बाद इमामबाड़े वाली जगह पर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। चौक से सटा इलाका होने की वजह से इन दुकानों को मुंह मांगी कीमत पर व्यापारियों को दिया गया और कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल के छोटे से हिस्से में इमामबाड़े को सीमित कर दिया गया। वसीम रिजवी उस वक्त शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और आजम खान विभाग के कैबिनेट मंत्री थे। इमामबाड़े को गिराकर वह कॉम्प्लेक्स बनाए जाने का काम भी बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी जैन बिल्डर्स को दिया गया था। कहते तो यहाँ तक है कि ये बिल्डर अतीक का राइट हैंड कहा जाता है, यानी इमामबाड़े में हुए करोड़ों के बारे न्यारे में अतीक अहमद का अहम रोल रहा होगा, इसे आसानी से समझा जा सकता है। कोतवाली से 200 मीटर के फासले के ऊपर प्लेस ऑफ वर्शिप बुलडोज कर दिया गया और कुछ नहीं हुआ आजम खान के पीरियड के अंदर। अफसोस ये है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने मेरी अप्लीकेशन के ऊपर शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में दोनों में लूट में, एक में 40 पेज की रिपोर्ट दी, एक में 36 पेज की रिपोर्ट दी। 2017 से स्टेट के अंदर ये सरकार है, अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूं कि जगह जगह आप इलीगल कंस्ट्रक्शन गिरा रहे हैं, आपको कोतवाली से 200 मीटर के फासले के ऊपर, और वही ADA जिसने 18 नोटिसें दी, ठीक है, और उसमें यह कहा भी था कि मैं ध्वस्तीकरण कर दूंगा, तो जब ध्वस्तीकरण नहीं हो शुरू हुआ था उस वक्त जिन लोगों ने नोटिस की थी, वो प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उसे ध्वस्तीकरण करके क्यों नहीं उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाया। वही सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अतीक अहमद इस मामले में CBI के रडार पर है। हालांकि जांच एजेंसी इस मामले में सबसे पहले शिकायतकर्ता शौकत भारती का बयान दर्ज करेगी। इस मामले में CBI की जांच के दायरे में समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर के सांसद आजम खान भी आ सकते हैं, क्योंकि गड़बड़ियों के वक्त विभाग के मंत्री वो खुद ही थे। कहते हैं वसीम रिजवी उन्हीं के करीबी माने जाते हैं। नहीं, कहा यह भी जाता है कि अतीक अहमद के रसूख के चलते ही वहां पर लोगों के जबरदस्त विरोध के बावजूद इमामबाड़े को तोड़ा गया और वहां कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया। इतना ही नहीं, अतीक अहमद के करीबी जैन बिल्डर को ही कॉम्प्लेक्स तैयार किए जाने का काम सौंपा गया था। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज के इमामबाड़े को लेकर असली खेल अतीक अहमद ने ही पर्दे के पीछे से खेला था, इसीलिए CBI कभी भी उन पर शिकंजा कस सकती है और उनका बयान दर्ज करने के लिए गुजरात की अहमदाबाद जेल जा सकती है। इतना ही नहीं, अतीक अहमद के साथ ही इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर के सांसद आजम खान की भी मुश्किलें बढ़नी तय है, क्योंकि जिस वक्त विवाद हुए थे उस वक्त उत्तर प्रदेश में वक्फ विभाग के मंत्री आजम खान ही थे और वसीम रिजवी के सिर पर उनका ही हाथ हुआ करता था। पिछले 5 सालों से लड़ाई लड़ रहे शिकायतकर्ता शौकत भारती इस मामले में पर्दे के पीछे गेम खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बहरहाल एक के बाद एक मामले में बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ
कार्रवाई जारी है। प्रशासन उनके अवैध निर्माण और काम पर बुलडोजर चला रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अतीक अहमद के सितारे इन दिनों गर्दिश में है। प्रयागराज के इमामबाड़े को जमींदोज कराकर उस पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाने के मामले में पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद सीबीआई के रडार पर हैं। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब सीबीआई अतीक अहमद पर शिकंजा कसेगे। तकरीबन 15 साल पहले छत्तीसगढ़ के स्क्रैप घोटाले में सीबीआई प्रयागराज में ही अतीक अहमद से पूछताछ कर चुकी है। साल 2005 में प्रयागराज में बीएसपी के विधायक राजू पाल मर्डर केस में तो अतीक अहमद और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज है। 3 साल पहले देवरिया जेल में रहते हुए लखनऊ के कारोबारी का अपहरण कराकर उसकी पिटाई करने के मामले में भी सीबीआई अतीक अहमद के खिलाफ जांच कर रही है। जांच एजेंसी सीबीआई अभी तक पिछले 3 मामलों में अतीक को किसी भी मामले में सजा नहीं दिला सकी है। ऐसे में इस चौथे मामले में अतीक पर शिकंजा कस पाना और मुकदमे में उसे सजा दिला पाना सीबीआई के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज।